हेलो वेलकम एवरी वन नाउ वी विल स्टार्ट टू स्टडी द न्यू टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट डार्क रूम ऑफ डी आर टी पार्ट फर्स्ट द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ इमेज क्वालिटी फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पर यह समझेंगे कि यहाँ पर कौन सी इमेज क्वालिटी की बात अपन कर रहे हैं तो जो अपन डार्क रूम के अंदर जब अपनी एक्सरे फिल्म को प्रोसेस कराने के बाद जो आपको रेडियोग्राफ मिलता है यानी जिसमें आपके बॉडी ऑर्गन की इमेज होती है उस रेडियोग्राफ की इमेज क्वालिटी की अपन यहाँ पे बात करेंगे अब हम यहाँ पे इमेज क्वालिटी और रेडियोग्राफ क्वालिटी से यह समझते हैं कि आपकी जो रेडियोग्राफ है उसमें बॉडी के जो ऑर्गन्स की जो अपन ने इमेज ली है वो कितनी क्लियर दिख रही है उसकी शार्पनेस कितनी है उसके रेजोल्यूशन कितने हैं या फिर अपन दूसरे वे में बात करें तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो पॉइंट्स थे वो आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी इमेज की क्वालिटी के अंदर इमेज क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट दैट मीन्स कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर इमेज क्वालिटी एक ऐसा फैक्टर है एक ऐसा गुण है जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बिकॉज अगर आपकी इमेज क्वालिटी खराब होती है तो इसके कारण कई बार अपन गलत डिजीज़ भी डायग्नोस कर सकते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि सही डिजीज़ सही पैथोलॉजिकल कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए इमेज की क्वालिटी गुड रखनी होगी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इमेज क्वालिटी द इमेज क्वालिटी मे बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन टू रिकॉर्ड ईच पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑन द फिल्म दैट मीन्स हम इमेज क्वालिटी को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि फिल्म और स्क्रीन यहाँ पे कौन सी स्क्रीन की बात हो रही है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन दैट मीन्स इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म का ऐसा कॉम्बिनेशन जो क्या कर सके ऑब्जेक्ट के ईच पॉइंट को फिल्म के ऊपर विजुअलाइज कर सके उसी से अपन इमेज क्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे डिफाइन करेंगे इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द विजिबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिकली इम्पॉर्टेंट डिटेल इन द रेडियोग्राफ दैट मीन्स रेडियोग्राफ में जो इम्पोर्टेंट डिटेल अपने को चाहिए कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर कोई भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए तो वो जो इम्पोर्टेंट डिटेल है अगर वो इमेज क्वालिटी आपको विजिबल करवाती है तो उससे भी अपन इमेज क्वालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं द इमेज क्वालिटी इज़ इंफ्लुंस्ड बाई मैनी पैरामीटर्स कॉन्ट्रास्ट नॉइज़ शार्पनेस एंड रेजोल्यूशन दैट मीन्स इमेज क्वालिटी निम्नलिखित पैरामीटर से इन्फ्लुएंस होती है यानी कि डिपेंड करती है या फिर प्रभावित होती है कॉन्ट्रास्ट नॉइज शार्पनेस एंड रेजोल्यूशन इन चार पैरामीटर्स के बारे में अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट अपना आता है फर्स्ट पैरामीटर दैट इज नोन एज कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट के बारे में हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो एक्सरे फिल्म के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले टॉपिक में वही चीज़ हम यहाँ पे एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे बट यहाँ पे कुछ एडिशनल होगा द टर्म कॉन्ट्रास्ट रेफर्स टू द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन एडजसेंट एरियाज इन द रेडियोग्राफ दैट मीन्स रेडियोग्राफ के कोई भी दो एडजेसेंट एरियाज एडजेंट एरियाज का मतलब पास पास के क्षेत्र उन दोनों क्षेत्र के डेंसिटी का डिफरेंस कौन डिस्क्राइब करता है कॉन्ट्रास्ट दैट मीन्स अगर आपके रेडियोग्राफ का कॉन्ट्रास्ट अच्छा है तो अपन कोई भी दो एडजेसेंट एरियाज जिनकी डेंसिटी अलग अलग है उनको अपन अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अदरवाइज नहीं कर पाएंगे इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट फिल्म कॉन्ट्रास्ट फोग एंड स्केटर कॉन्ट्रास्ट दैट मीन्स कॉन्ट्रास्ट में भी कई पार्ट होते हैं सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट फिल्म कॉन्ट्रास्ट फॉग एंड स्केटर ठीक है नाउ सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट के बारे में सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट इज द डिफ्रेंस इन एक्सरे इंटेंसिटी इज ट्रांसमिटेड थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द पेशेंट दैट मीन्स जब आपकी एक्स रे बिम पेशेंट के बॉडी पार्ट से टकराती हैं फिर जैसे वो बॉडी पार्ट से इंट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी पार्ट की क्या होती है कि डेंसिटी अलग अलग होती है अब जैसे ही वो एक्सरेज या फिर एक्सरे बीम बॉडी पार्ट से बाहर निकलती है यानी कि ट्रांसमिट होती है तो उसकी क्या है कि इंटेंसिटी है वो हर बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी ये जो इंटेंसिटी के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस कौन डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट इट इज़ अफेक्टेड बाय द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी दैट मीन्स कि आपका जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट है वो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी से अफेक्टेड होता है जैसा कि अभी अपन ने ऊपर समझा कि जो एक्सरे इंटेंसिटीज के बीच में जो डिफरेंस है वही क्या डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट डिफाइन कर रहा है तो ऑब्वियस ऑबियसली बात है कि जो आपकी फोटोन की जो एनर्जी है उससे भी वो क्या होगा अफेक्टेड होगा इट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द एटॉमिक नंबर एंड डेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्बर दैट मीन्स सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट एब्जॉर्बर की डेंसिटी और एटॉमिक नंबर से भी अफेक्टेड होगा अब यहाँ पे एब्जॉर्बर कौन होता है ह्यूमन बॉडी ऑर्गन तो यहाँ पे क्या होगा ह्यूमन बॉडी ऑर्गन की डेंसिटी और ह्यूमन बॉडी ऑर्गन के एटॉमिक नंबर से भी सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट होता है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड फिल्म कॉन्ट्रास्ट इस टॉपिक के बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिल्म में अच्छे से डिस्कस किया था बट फिर भी अपन एक बार दोबारा से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फिल्म कॉन्ट्रास्ट टेल एस हाउ द फिल्म रेस्पॉन्ड टू द डिफरेंस इन एक्सपोजर दैट मीन्स फिल्म कॉन्ट्रास्ट अपने को यह बताता है कि आपकी जो एक्सरे फिल्म है वो अलग अलग टाइप के एक्सपोजर से किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है द फिल्म कॉन्ट्रास्ट डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक कर फिल्म डेंसिटी स्क्रीन और नॉन स्क्रीन एक्सपोजर एंड फिल्म प्रोसेसिंग दैट मीन्स आपका फिल्म कॉन्ट्रास्ट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक कर्व सेकंड फिल्म की डेंसिटी थर्ड स्क्रीन और नॉन स्क्रीन एक्सपोजर एंड लास्ट फिल्म प्रोसेसिंग ओवरऑल अपन बात करें सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट और फिल्म कॉन्ट्रास्ट तो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि बॉडी ऑर्गन से जब आपकी एक्सरेज इंटरेक्ट करती हैं तो वो अलग अलग इंटेंसिटीज़ के साथ बाहर निकलती हैं जब वो अलग अलग इंटेंसिटीज़ फिल्म के ऊपर इंटरेक्ट करती हैं तो वहाँ पे जो आपको कंट्रास्ट मिलता है उसको अपन बोलते हैं सब्जेक्ट कंट्रास्ट और फिल्म कंट्रास्ट यानी कि फिल्म अलग अलग टाइप के एक्सपोजर से किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रही है ये कई चीज़ों पर डिपेंड भी करता है जैसे कि आपकी फ़िल्म की डेंसिटी अगर फिल्म का जो एक्सपोजर है वो स्क्रीन के साथ किया है अपन ने या फिर विदाउट स्क्रीन कराए Now we will discuss about the fog and scatter. Fog and scatter will produce unwanted film density which lowers radiographic contrast. That means fog or scattered radiation क्या करती हैं unwanted film की density produce करती हैं film density मतलब film के अंदर blackening को produce करना जो क्या करती हैं radiographic contrast को कम करती हैं और radiographic image quality को भी क्या करती हैं डिक्रीज करती हैं फोग में भी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फिल्म प्रोसेसिंग एंड स्कैटर्ड रेडिएशन आल्सो प्रोड्यूस अनवांटेड फिल्म डेंसिटी फोग आपका कब प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द फिल्म प्रोसेसिंग और दूसरा जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो भी क्या प्रोड्यूस करती है अनवांटेड फिल्म की डेंसिटी को प्रोड्यूस करती है फिल्म डेंसिटी को अपन ने पहले भी एक्सरे फिल्म के अंदर पढ़ा था क्या होती है फिल्म डेंसिटी ब्लैकनिंग ऑन द फिल्म Now we will discuss about the second factor of the image quality, which is known as noise. Noise को अपन describe करेंगे unwanted defects से जो अपने को radiograph के अंदर नहीं चाहिए और जो क्या कर रहे हैं image quality को decrease कर रहे हैं. Radiographic noise is also known as mortal. That means radiographic noise को एक दूसरे word से भी जाना जाता है जिसे mortal बोलते हैं. Mortal और noise इज़ द रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ द फिल्म डेंसिटी अबाउट सम मीन वैल्यू फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सपोजर दैट मीन्स कि जब आप क्या करते हो एक यूनिफॉर्म एक्सपोजर यूज कर रहे हो उसके बाद भी आपकी जो फिल्म है उसके डेंसिटीज़ के अंदर क्या आते हैं फ्लैक्चुएशन आते हैं यानी डेंसिटीज़ के अंदर डिफ्रेंस आता है जो कि अपने को नहीं चाहिए उसे अपन क्या बोलेंगे मॉडल बोलेंगे नॉइज डिग्रेड्स द इमेज क्वालिटी एंड लिमिट्स द एबिलिटी टू विजुअलाइज लो कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट दैट मीन्स नॉइज क्या करता है इमेज क्वालिटी को कम करता है और लिमिट्स द एबिलिटी टू विजुअलाइज लो कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिनका कॉन्ट्रास्ट क्या है लो है हम उनको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं मोटल इज मेनली कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन मोटल फिल्म मोटल एंड क्वान्टम मोटल यानी कि मोटल आपका तीन प्रकार का होता है स्क्रीन मोटल फिल्म मोटल एंड क्वांटम मोटल ठीक है सबसे पहले अपन बात करेंगे स्क्रीन मोटल यूनिफॉर्मिटीज इन स्क्रीन कंस्ट्रक्शन बट यूजुअली नेग्लिजिबल इन मॉडर्न स्क्रीन दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसके कंस्ट्रक्शंस के वक्त उसमें क्या आ जाए कोई भी डिफेक्ट आ जाए जिसके कारण आपकी जो रेडियोग्राफ है या फिर जो इमेज है बॉडी ऑर्गन की उसमें क्या आ रहा है कोई भी नॉइज़ आ रहा है कोई भी मोटल आ रहा है तो वो नॉइज़ या फिर वो मोटल क्या कहलाएगा स्क्रीन मोटल कहलाएगा क्यों क्योंकि वो किसके कारण आया है आपका स्क्रीन के कंस्ट्रक्शन के कारण बट यूजली नेग्लिजिबल इन मॉडर्न स्क्रीन बट ये जो स्क्रीन मोटल है ये अब क्या हो गया है नेग्लिजिबल हो गया है मॉडर्न स्क्रीन के कारण क्योंकि जो आपकी अब जो मॉडर्न स्क्रीन आ रही है उनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से किया जाता है इस वजह से स्क्रीन मॉडल बहुत ही कम अपने को देखने को मिलता है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिल्म मोटल अभी अपन ने बात की थी स्क्रीन मोटल की तो यानी कि स्क्रीन के कारण रेडियोग्राफ में आने वाला कोई भी नॉइज या फिर कोई भी मोटल क्या कहलाता है स्क्रीन मोटल कहलाता है और वो आएगा किस वजह से स्क्रीन के कंस्ट्रक्शन के कारण सेम हेयर फिल्म यानी कि एक्सरे फिल्म के कंस्ट्रक्शन में कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसके वजह से आपकी जो रेडियोग्राफ है उसमें अगर आपको कोई नॉइज मिलता है कोई भी डिफेक्ट मिलता है कोई भी आर्टिफैक्ट मिलता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे फिल्म मोटल बोलेंगे फिल्म मोटल इज क्योज बाय द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द इमल्शन विच हैज वेरी लिटल कंसर्न इन द रेडियोग्राफी यानी कि फिल्म मोटल किसके कारण होता है आपकी जो इमल्शन लेयर है उसके ग्रेन स्ट्रक्चर के कारण जो ग्रेन्स की स्ट्रक्चर है अगर उसमें कुछ डिफेक्ट हो तो उसके कारण आपकी इमेज में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो वो आपका कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा या फिर कौन सा मोटल कहलाएगा फिल्म मोटल कहलाएगा विच हैज़ वेरी लिटल कंसर्न इन रेडियोग्राफी जिसका रेडियोग्राफी के अंदर बहुत ही कम कंसर्न होता है यानी कि फिल्म मोटल इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट मोटल और नॉइज विच इज़ नॉन एज क्वांटम मोटल यह एक इम्पॉर्टेंट नॉइज है जो ज़्यादातर पाया जाता है क्वांटम मोटल इज क्योज बाय द डिस्क्रीट नेचर ऑफ एक्स रे फोटोन्स एंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉइज इन द रेडियोग्राफी यानी क्वांटम मोटल अब किसके कारण होगा आपका एक्सरेज के डिस्क्रीट नेचर एक्सरेज का डिस्क्रीट नेचर मतलब जो आपकी एक्सरेज है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है अलग अलग होती है अब उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होने के कारण क्या आता है आपकी फिल्म की डेंसिटी फिल्म के कॉन्ट्रास्ट या फिर फिल्म के अंदर कोई भी नॉइज आता है कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे क्वांटम मोटल बोलेंगे एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉइज इन द रेडियोग्राफी और रेडियोग्राफी के अंदर नॉइज का प्रोड्यूस होने का सबसे मेन सोर्स क्या होता है आपका क्वांटम मोटल ही होता है बिकॉज एक्सरेज की डिस्क्रीट नेचर की प्रॉपर्टी को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है दैट मीन्स कि एक्सरेज की इंटेंसिटी को सेम करना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए क्वांटम मोटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है द एडजसेंट एरियाज ऑफ द फिल्म हैव फोटोस दैट डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू विच कॉन्ट्रीब्यूट इन द क्वांटम मोटर दैट मीन्स एक्सरे फिल्म के एडजसेंट एरियाज के फोटोन्स की मीन वैल्यू के अंदर क्या पाया जाता है डिफरेंस पाया जाता है और यही डिफरेंस क्वांटम मॉटल का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ठीक है थैंक यू